सो गाइज, अभी मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, ये मैं फर्स्ट इनवाइट करने जा रही हूँ जो कि वर्चुअली नहीं, क्योंकि वर्चुअली तो जो पहला कार्ड है वो हमने जोरो को ही दिया है कार्ड, एकदम नाम लिख के तो मैंने प्रिपेयर किया है। ये है ये ड्राई फ्रूट्स और उसके साथ ये मेरा कार्ड, और ये जो डॉक्टर है ये मेरे फ्रेंड के ही पापा है, एंड सो मेरे फ्रेंड एंड जो डॉक्टर है दोनों को ही मैं इनवाइट करूंगी। वैसे तो उनको पता ही है कि डेट्स एंड ऑल सब कुछ उन्हें पता है, बट स्टिल ये आज मैं ऑफिशियली इन्वाइट करने वाली हूँ। और यहाँ पर हल्दी, ये कच्चे हल्दी का स्टैम्प अपनी उंगलियों से मेरी मम्मी ने डाला है, क्योंकि शादी के कार्डों में ऐसे हल्दी का छाप देना पड़ता है, शगुन माना जाता है इसीलिए। ये मैं बिट्स एंड पीसेस जो भी मेरे शादी के प्रिपरेशन से वो मैं इस तरह से शूट कर रही हूँ। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस। सो दिस इज द पाउच दैट वी आर गिविंग विद कार्ड टू ईच एंड एवरी वन। ये कुछ काजू है और कुछ किशमिश भी है इसके साथ। सो आई एम रेडी नाउ। ये कुछ दिनों बाद की क्लिप है जब मैं ऑफिस से डायरेक्ट अपने एक फ्रेंड को इनवाइट करने जा रही थी, और मैंने कुछ चिप्स एंड बिस्किट्स के पैकेट भी खरीद लिया था क्योंकि उसे ये सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती। बहुत दिनों बाद उनके घर में जा रही थी तो इसीलिए कार्ड के साथ मैंने उन्हें ये सब भी गिफ्ट किया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज सुबह सुबह मैं कार्ड को असेंबल कर रही हूँ, और ये देखिए यहाँ पे हल्दी का छाप मम्मी हर एक कार्ड पे लगा रही है। ये देखिए, ये है कार्ड्स जो कि हमें खुद असेंबल करना पड़ेगा, तो मैं असेंबल करके एकदम रेडी रख रही हूँ सारे कार्ड। हाय गाइस, सो आज मेरी मम्मी जा रही है मेरी दीदी और जोरो को लाने महाराष्ट्र मुंबई। तो अभी मम्मी निकलेगी, अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग मम्मी को स्टेशन छोड़ने जाएंगे। अभी मैं और पापा, सिर्फ मम्मी अकेली जाएगी और उसके साथ मेरे एक भैया भी जाएंगे। तो फिर जोरो एंड ऑल को लेकर मम्मी 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। वहाँ पर स्टे नहीं कर रही, बस वो जिस दिन रात को 2-2.5 बजे, मतलब एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचेगी, उसी दिन रात को 9 बजे ट्रेन है, तो बिल्कुल रुकने का टाइम नहीं है। मम्मी की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब है, बट स्टिल जोरो सिर्फ बच्चा है इसीलिए, वरना दीदी तो अकेली ही आ जाती, लेकिन सिर्फ बच्चा है इसीलिए एक लेडीज का जाना जरूरी है। और मैं चली जाती लेकिन मेरी शादी है, तो सब लोग बोल रहे कि नहीं अभी, और कुछ ही दिन बाकी है सिर्फ शादी में, तो सब लोग बोल रहे कि नहीं अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा। सो अभी मम्मी निकल रही है, सो वो जाएगी तो मैं स्टेशन छोड़ने जाऊंगी मैं और पापा। सो या अभी जो वेडिंग एंड ऑल है सब कुछ, मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी लग रही है और वो जाएगी तो थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है। 34 रेडी रेडी। थोड़ा डर लग रहा है क्या? थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 10 बजे हम लोग निकल रहे हैं, एक्साइटेड अपने नाती को लेने के लिए। तुम लोग घर में अच्छे से रहो। हाँ, थोड़ा घूम के आओ। सोलो ट्रिप, अभी ऐसा ही है, सोलो ट्रिप। 10 बजे के करीब हम लोग निकल पड़े। ये खागड़ा घाट स्टेशन है जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो इसीलिए बाय कार हम लोग जा रहे हैं, एंड रात भी हो चुकी थी एंड वी वेयर अ लिटिल बिट टेंस्ड आल्सो।
वैसे तो मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, वो बाहर अकेले कई बार गई है, लेकिन इस बार उनका तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, इसीलिए थोड़ा बहुत टेंशन हो रही थी हम सबको, बट उनको लाना भी ज़रूरी था क्योंकि वो मेरी दीदी एक ही दीदी है और मेरी शादी है, तो मेरी शादी में वो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए उसे लाने के लिए मम्मी गई। और उस दिन ना बहुत ही ज़्यादा ठंड था और कितने ज़्यादा फॉग है आप लोग देखिए, कैमरा में भी फॉग काफ़ी विजिबल है। ये देखिए स्टेशन में ना कुछ लोग डॉगी के साथ खेल रहे थे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके साथ, तो मुझे बड़ा मज़ा आया ये देखकर और किस तरह से वो लोग मज़े कर रहे थे डॉगीज़ के साथ, और वो जो डॉगीज़ भी थे ना वो भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर। एंड स्टेशन में जितने भी लोग थे वहाँ पर सभी उनको देख रहे थे क्योंकि सभी को ये अच्छा लग रहा था, एंड इट्स अ वेरी रेयर साइट स्ट्रीट डॉग्स के साथ इतना ज़्यादा क्लोज होना, ये काफी रेयर है एंड मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज आई लव डॉग्स। अभी ट्रेन आने वाली है, सो अभी ट्रेन आने वाली है, बाय बाय, टेक केयर। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए एंड रास्ता बिल्कुल सुनसान था और इतनी ज्यादा ठंड थी, बट फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। So finally after 3 long days my mom is coming back with Zoro and meri didi. I cannot imagine how strong she is both physically and mentally. And now wo abhi raste mein hai, station pahunch chuke hai, papa gaye hai unhe station se pick up karne. Abhi lag raha hai ki ha this is shaadi wala ghar. Abhi thoda sa mujhe aisa feel aa raha hai ki ha शादी घर में शादी है एंड आ रहे हैं सब लोग और अभी खुशी का माहौल एंड घर पूरा भरा भरा लगेगा, अभी ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, आई एम जस्ट वेटिंग। अभी खाना वाना सब कुछ हो गया है, सो दे आर वेरी टायर्ड बाय द वे, सो लेट्स सी जितना हो सके मैं व्लॉग करूंगी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। देखने बस दौड़े आसार जो कुछ ट्रॉली कथाय जोरो यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा खुश है, पूरा दिन हंसता खेलता रहता है एंड रात को अच्छे से सोता है, सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। इस तरीके से मैं अपने वेडिंग प्रिपरेशंस के बिट्स एंड पीसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।